नगर सहकारी बैंक लिमिटेड के प्रबंध समिति के सभापति, उपसभापति एवं अन्य समितियों में भेजे जाने वाले प्रतिनिधियों का निर्वाचन मंगलवार को नगर निगम स्थित नगर सहकारी बैंक में निर्वाचन अधिकारी, अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व विधान जायसवाल की देखरेख में संपन्न हुई, जिसमें सभापति, उपसभापति सभी अभी पदों पर निर्विरोध पदाधिकारी चुने गए। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए चुनाव अधिकारी एडीएम फाइनेंस विधान जायसवाल ने बताया कि सभापति पद पर पल्लवी सिंह, पत्नी जितेंद्र बहादुर सिंह, उपसभापति पद पर बिरजेश सिंह पुत्र ईश्वर सिंह, उत्तर प्रदेश सहकारी आवास संघ लखनऊ के प्रतिनिधि हेतु समर पाल सिंह पुत्र जोखू सिंह, जिला सहकारी बैंक के प्रतिनिधि हेतु जितेंद्र बहादुर सिंह पुत्र स्वर्गीय वीर बहादुर सिंह एवं गणेश प्रसाद पुत्र फिरंगी प्रसाद चुने गए। इसके अलावा प्रतिनिधियों में बिरजेश सिंह, अनिल कुमार सिंह, बीना राव, पल्लवी सिंह, शर्तुधन शाही, गणेश प्रसाद, सीताराम यादव, राधिका शाही, सत्य भामा शाही, दुर्गा सिंह बघेल, सत्येंद्र बहादुर सिंह निर्वाचित हुए। पल्लवी सिंह पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय वीर बहादुर सिंह की पुत्रवधू एवं भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं निवर्तमान नगर सहकारी बैंक लिमिटेड के अध्यक्ष जितेंद्र बहादुर सिंह की पत्नी है। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए नवनिर्वाचित सभापति पल्लवी सिंह व उपसभापति बृजेश सिंह ने कहा कि बैंक के विकास व उपभोक्ताओं के हित में कार्य करके बैंक का विकास किया जाएगा। ये सर ग्रुप में एक फोटो करा दीजिएगा। एक माला वाला कौन है कि ग्रुप में फोटो करा दीजिए। हाँ माला बोल दो। एक मिनट थोड़ा सा आप इधर किनारे हाँ एक बढ़िया भैया थोड़ा और नहीं भैया इधर चलिए। नगर सहकारी बैंक के लिए आज का जो निर्वाचन हुआ था उसमें जिला सहकारी बैंक के दो प्रतिनिधियों और उत्तर प्रदेश सहकारी आवास संघ के एक प्रतिनिधि और एक सभापति और एक उपसभापति पद के लिए निर्वाचन हुआ था। सभी में एक एक निर्वाचन नाम निर्देशन पत्र प्राप्त हुए थे। सभी के नाम निर्देशन पत्र सही पाए गए थे। नाम वापसी किसी के द्वारा नहीं दी गई और उनमें से एक एक जिन्होंने नामांकन किया था उनको निर्वाचित घोषित किया गया, जिसमें प्रतिनिधि जिला सहकारी बैंक लिमिटेड गोरखपुर के लिए गणेश प्रसाद पुत्र फिरंगी प्रसाद इनको निर्वाचित घोषित किया गया है। इसी प्रकार दूसरे प्रतिनिधि हैं जिला सहकारी बैंक के लिए, उसके लिए जितेंद्र बहादुर सिंह पुत्र स्वर्गीय वीर बहादुर सिंह को निर्वाचित घोषित किया गया है। प्रतिनिधि उत्तर प्रदेश सहकारी आवास संघ लखनऊ के लिए समर पाल सिंह पुत्र जोखू सिंह को निर्वाचित घोषित किया गया और उपसभापति नगर सहकारी बैंक लिमिटेड गोरखपुर के लिए बृजेश सिंह पुत्र ईश्वर सिंह को निर्वाचित घोषित किया गया है और नगर सहकारी बैंक लिमिटेड गोरखपुर के सभापति पद पर पल्लवी सिंह पत्नी जितेंद्र बहादुर सिंह को निर्वाचित घोषित किया गया। अरे भैया पुराना मॉडल नहीं है, आइए हमारे साथ आइए। जितने सारी व्यवस्थाएं की जाए इस संस्था को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग तत्पर रहेंगे। बैंक के विकास के लिए जो भी कार्य होगा मैं करूँगी।
सारे डायरेक्टर्स के सहयोग से बैंक के विकास के लिए कार्य कर रहे हैं।